न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट के मिलने से बनता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के पेंटोज शुगर मिलते हैं, राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर एडिशनल OH ग्रुप होता है, जबकि डी ऑक्सी राइबोज में ये OH ग्रुप नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेसिस, ये टोटल दो ग्रुप होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। एडिनिन एंड गुआनिन प्यूरीन होते हैं, थाइमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल ये पिरिमिडीन होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडिनिन लिया गया है, ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बाउंड होता है, कार्बन नंबर 1 पर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब ये बाउंड हो जाते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, कहने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ता है और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है उसको फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक एंड 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड 3rd प्राइम होता है, तो ये 5 प्राइम और 3rd प्राइम एंड क्या होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, आओ देखें। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती हैं। 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के बीच में बनता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री होता है, इसको 5 प्राइम कहते हैं, और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd हाइड्रॉक्सिल फ्री होता है इसलिए इसको 3rd प्राइम एंड कहते हैं। तो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका 5 प्राइम एंड कहने का मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, एंड 3rd प्राइम एंड कहने का मतलब लास्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का हाइड्रॉक्सिल। इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक एंड को हम 5 प्राइम एंड कहते हैं और दूसरे को हम 3rd प्राइम एंड कहते हैं।